दोस्तों, आप सभी बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेस मुमताज से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जो 60 और 70 के दशक की मशहूर अदाकारा रह चुकी है। इनके खूबसूरती और मासूमियत ने उस दौर में सभी लोगों का दिल जीत लिया था। तो वहीं आज इनकी बेटी भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। इनकी बेटी अब बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री बन चुकी है, मगर आप जानते हैं वो कौन है? और अगर आप जानना चाहते हैं उनकी बेटी के बारे में, तो आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें और मुमताज के शानदार अभिनय के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, अपने दौर के लगभग सभी एक्टर के साथ काम करने वाली मुमताज को ज्यादातर राजेश खन्ना की फिल्मों में देखा जाता था। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा, प्रेम कहानी, आपकी कसम, रोटी, दुश्मन, दो रास्ते जैसी कई फिल्मों में काम किया। तो वहीं इनके साथ फिल्माए गए गीत गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, बिंदिया चमकेगी, ये रेशमी जुल्फें जैसे सॉन्ग आज भी दर्शकों की जुबान पर होते हैं। अगर इनके निजी लाइफ की बात की जाए, तो इन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान साल 1974 में बिजनेसमैन मयूरी माधवानी से शादी की, जिसके बाद उनकी दो बेटियां तान्या और नताशा ने जन्म लिया। हम आपको बता दें कि इनकी छोटी बेटी तान्या आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है और अपने खूबसूरत और हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। उनकी खूबसूरती को देखकर आज हर कोई हैरान है और उनकी खूबसूरती को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि माँ और बेटी में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। अगर तान्या की निजी लाइफ की बात की जाए, तो उन्होंने साल 2015 में मार्को से लंदन में शादी की और वो आए दिन अपनी नई नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। उनकी तस्वीरें उनके फैंस को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और पसंद भी आती हैं। तो वहीं मुमताज की बड़ी बेटी नताशा फरदीन खान की वाइफ है और वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुकी है। वाकई मुमताज की दोनों बेटियां देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में होती तो आज काफी बड़ा नाम बन चुकी होती। तो दोस्तों, आप सभी को बीते जमाने की मुमताज की बेटियां कैसी लगी, हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।